गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। सुंदरनगर के हराबाग में घर में लगी आग चपेट में आने से 39 वर्षीय व्यक्ति की मौत। कोठीपुरा के छात्रों ने पेश की मिसाल, स्लम एरिया के लोगों के लिए ऐसे बने मददगार। जालंधर और पटियाला से भी जुड़े जहरीली शराब कांड के तार, 50,000 फर्जी स्टिकर जब्त। बरसंड इंडस्ट्रियल एरिया के बसाव का रास्ता साफ, चिन्हित जमीन को मिली फॉरेस्ट क्लियरेंस। और अब समाचार विस्तार से। सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले हराबाग क्षेत्र में शनिवार शाम को एक 39 वर्षीय व्यक्ति की घर में लगी आग की चपेट में आने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार हराबाग गांव के 39 वर्षीय व्यक्ति पवन कुमार अपने कमरे में था, इस दौरान कमरे में आग लग गई और वह आग की चपेट में आ गया। जब घर वालों व आसपास के लोगों ने घर से धुआं उठता देखा तो सभी लोग आग बुझाने के लिए मकान की तरफ दौड़कर गए और वहां से पवन को बाहर निकालकर सुंदरनगर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पवन पुत्र गंगा निवासी मुहाल चमुखा तहसील सुंदरनगर के मकान में अचानक आग लग गई। छानबीन में पाया गया कि आग लगने के कारण पवन कुमार की मौत हुई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बिलासपुर जिला के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा के छात्रों ने कमाल कर दिखाया है। एक तरफ इससे पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, वहीं दूसरी तरफ स्लम एरिया में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को भी इसका भरपूर फायदा मिल सकता है। बच्चों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया है। इनकी तकनीक ने स्लम एरिया के लोगों को परमानेंट ठिकाना भी दिया है। स्कूल प्रधानाचार्य अरुण गौतम ने बताया कि स्कूली बच्चों ने प्लास्टिक की खाली बोतलों को एकत्र करके उनके अंदर मिट्टी भरी, जिसके बाद इन बोतलों से एक हट बनाया गया, जो कि स्लम एरिया में रह रहे लोगों के लिए कारगर साबित होगा। मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर में जहरीली शराब पीकर 7 लोगों की मौत मामले में अब पुलिस की जांच पंजाब के जालंधर और पटियाला तक पहुंच गई है। मामले में पुलिस टीमों ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए अवैध शराब की बोतल पर चिपकाए जाने वाले 50,000 फर्जी स्टिकर जब्त किए हैं। इसके अलावा मौके से आरोपियों द्वारा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, फोन डिटेल भी पुलिस ने हासिल की है। इनमें से कई दस्तावेज व सामान पंजाब के जालंधर व पटियाला से जब्त किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी नरेंद्र उर्फ कालू से पूछताछ के बाद बीएसएल नहर सुंदरनगर में छिपाई गई जहरीली शराब से भरी 3 बोतलें भी बरामद की हैं। आरोपी द्वारा पुलिस हिरासत में शराब की कई पेटियां नहर में फेंक कर नष्ट करने की जानकारी पुलिस को दी गई थी। अब अवैध शराब की पेटियों को ढूंढने के लिए गोताखोरों की मदद दी जाएगी। नगर का जो अभी हाल ही में केस हुआ है, जिसमें पूरे स्लीकर से लोगों की डेथ हुई है, उस पर आगे कार्रवाई करते हुए एक टीम जो है जालंधर और पटियाला में उन्होंने रेड करी थी, जिसमें हमारी जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन उसमें सामने आया था कि जो फेक लेबल्स हैं और होलोग्राम्स हैं वो जालंधर और पटियाला में एक फर्म्स प्रोवाइड करवा रही थी। तो वहाँ पर हमारी टीम को अच्छी सफलता मिली और उसमें जालंधर से जो है 50,000 फेक लेबल्स संतरा नंबर 1 ब्रांड के मिले हैं, उनको पुलिस ने सीज़ किया है। साथ ही जो उनकी डिज़ाइनिंग है और कंप्यूटर पे जो इमेजेस एडिटेड थी या जिसको डिज़ाइन किया गया है, उस हार्ड डिस्क को पुलिस द्वारा सीज़ किया गया है। इन लेबल्स को भी सीज़ किया गया है और इनवॉइसेस और ऑर्डर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी सीज़ किया गया है। उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो किस तरह से ये चेन चलती है उस पर आगे हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही पटियाला में जो टीम गई थी उसने भी उनको भी वहाँ पे सफलता मिली है और होलोग्राम्स के कुछ ऑलरेडी बने हुए सैंपल्स और जो मास्टर कॉपी होती है, जो कि निकल मेटल के ऊपर एम्बोस्ड होती है, वो मास्टर कॉपी साथ में हार्ड डिस्क और फ़ोन वहाँ से भी जब्त किए गए और उनको आज मंडी लाया गया है और फर्दर उसमें
कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स और इन्वॉइसेस, बिल्स, ईमेल्स और इन सब की हम छानबीन आगे करेंगे और फर्दर इस नेक्सस में और आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र एलियस कालू जो यहाँ पे मेन सप्लायर था, उसकी इंटरोगेशन में ये बात सामने आई थी कि जब पुलिस की रेड्स होना स्टार्ट हुई तो इसने कुछ पेटियाँ जो हैं वो छुपा दी थी और कुछ डिस्पोज करने की कोशिश की। उस दौरान इसकी गाड़ियों की सर्च से 19 पेटियाँ जो हैं वो संतरा, जो हमारा VRB फूल्स ब्रांड का है, उसको रिकवर किया गया था। और फर्दर इंटरोगेशन में इसके द्वारा बताया गया कि जो BSL लेक है, कैनाल है, उसमें भी इसने कुछ पेटियाँ डंप की गई। तो वहाँ पे मौसम ठीक होते ही गोताखोर जो स्पेशलिस्ट डाइवर्स रहते हैं उनको पुलिस द्वारा इंगेज किया गया और ये वहाँ पे डाइवर जो है पूरा दिन प्रयास करते रहे। और मुझे लगता है बारिश और तेज भाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा सामान जो है आगे फर्दर बह चुका था, लेकिन 3 बॉटल्स वहाँ से रिकवर हुई और उन एक बॉटल पे लेबल VRB फूल संतरा का पाया गया, जिससे ये डिस्क्लोजर क्लियर होता है कि इसने कुछ पेटियाँ जो हैं वहाँ पे लेक में भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। उसको भी हम रिकॉर्ड पे ले आएँ और फर्दर इनको लैब में भेजा जाएगा ताकि इनका कॉम्पोजिशन समझा जा सके और इसका जो फर्दर रिपोर्ट आएगी लैब से उस पर फर्दर कार्रवाई हम आगे। 15 एक्यूज हैं, उनमें से 13 को आज कोर्ट में पेश किया गया था, जिनमें से 9 को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। उनसे हमारी पूछताछ कंप्लीट हो गई है और जो जानकारी फ़िलहाल हमें उनसे चाहिए थी वो कंप्लीट है, इसलिए उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। और बाकी के जो 4 लोग हैं उनका जो पुलिस रिमांड है वो फर्दर एक्सटेंड करवाया गया है 31 तारीख तक। और ये जो फर्दर 6 लोग जिनका इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है और इनसे पूछताछ अभी जारी है, उस पर कार्रवाई आगे हम अमल पे ला रहे हैं और कुछ टीम्स द्वारा फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत बरसंड इंडस्ट्रियल एरिया को फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिलने के बाद जल्द ही शिलान्यास करवाने की तैयारी चल रही है। बजट सत्र शुरू होने से पहले शिलान्यास कार्यक्रम तय करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा पिछड़ा कोटधार क्षेत्र में भी नया इंडस्ट्रियल एरिया बसाने की योजना है। खास बात यह है कि निर्माणाधीन बागछाल पुल के समीप कई बीघे सरकारी जमीन खाली पड़ी है और ये एरिया बागछाल पुल के पास है, जहां से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे का जंक्शन भी होगा। लिहाजा इंडस्ट्रियल एरिया के कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो देश के नामी उद्योग घराने निवेश के लिए आएंगे। जल सरकार ने बरसंड के लिए इंडस्ट्रियल एरिया स्वीकृत किया था, उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गई है, पैसे जमा किए जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन जो है वो बागछाल पुल के पास से गुजर रही है और उसके वहाँ से जाने से जो कोटधार क्षेत्र का मरोतन एरिया है वो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैं आज ये संभावना जो है अपने को समझता हूँ कि वहाँ मरोतन में भी कोटधार क्षेत्र का एक इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने के लिए हमें बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है और ये रेलवे नेटवर्क का किसी क्षेत्र के पास होना इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए हमेशा से ही बहुत सुगम और सुखद भविष्य की ओर इंगित करता है। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV। प्रदेश के एजुकेशन हब का दर्जा प्राप्त करने वाले जिला सोलन के कंडा घाट में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल उत्तरी भारत का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चों को विश्व स्तरीय सुविधा दी जा रही है। ये स्कूल कंडा घाट से चायल को जाने वाले मार्ग पर 3 किलोमीटर आगे स्थित है। इस स्कूल में रोबोटिक लैब, डिजिटल अध्यापन के लिए आईपैड, स्मार्ट क्लासरूम, विश्व स्तरीय लाइब्रेरी, विदेशी भाषाओं की जानकारी सहित सुदृढ़ आधारभूत ढांचे के साथ सभी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए खेल मैदान, घुड़सवारी, स्विमिंग पूल व अन्य सुविधा भी उपलब्ध है। और तो और इस स्कूल में IGCSE प्रोग्राम की सुविधा भी उपलब्ध है।
इसके तहत विद्यार्थी सीधे विदेशी विश्वविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। इस स्कूल में बच्चों को आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9882040097 या 7559640097 पर।